हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि चल रहा हम लोगों का फोटोशॉप सीसी का बेसिक सीरीज, और आज की इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं फिल्टर मेनू से ऑयल पेंट ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, इससे हम बहुत ही बेहतर इफेक्ट दे पाते हैं किसी भी इमेज के अंदर। कोई भी इमेज हमको कुछ अलग टाइप से बनाना है और उसको बहुत ही खूबसूरत दिखाना है, तो ये एक्चुअली ऑयल पेंटिंग का आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन है, काफ़ी जगह आप देख सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में मास्टर बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकॉन पर दबाइए हमारी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं फोटोशॉप पे और देखते हैं ऑयल पेंट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो है, मैं एक इमेज ओपन कर रखा हूँ जिस पर हम इस ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऑयल पेंट ऑप्शन है कहाँ पर। तो ये फिल्टर में है, फिल्टर मेनू में, जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये ऑयल पेंट ऑप्शन ये रहा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का इफेक्ट दिखता है आपको, और यहाँ पर कई सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, ब्रश वगैरह, जिसके अंदर ये एनालाइजेशन वगैरह, स्टाइलाइजेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये ब्रश काम करता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। लेकिन इसको जो है सिर्फ इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो ये कोई तरीका नहीं है, बेहतर तरीका, बेहतर इफेक्ट लाने के लिए कुछ हम तरीके का इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका हम बता रहे हैं जिस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल पेंट ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाएंगे और बेहतर इफेक्ट दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक्चुअली ऑप्शन वहीं पर ज़्यादा बेहतर काम करता है जहाँ पर लाइनिंग्स वगैरह हो, या कोई ड्रेसेस वगैरह है, जैसे मान लीजिए ऐसा ड्रेस है जिसके अंदर कलर वगैरह जो भी है वो लाइनिंग में है, बिल्कुल लाइनिंग लाइनिंग में है, या फिर इस तरीके का हेयर वगैरह है जो बिल्कुल लाइनिंग वगैरह दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा बैकग्राउंड जिसके अंदर लाइनिंग वगैरह है, पतली पतली लाइनिंग है, वहाँ पर इसका इफेक्ट हम बहुत ही बेहतर देख पाते हैं। और सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि जो भी इमेज हम लेंगे उसके अंदर डिटेल्स को हम सबसे बेहतर से बेहतर लेकर के आएंगे, ताकि जितना ही इमेज के अंदर डिटेल्स बेहतर होगा उतना ही बेहतर जो है हम ऑयल पेंट को जो है दर्शा पाएंगे, प्रॉपर तरीके से उसका इफेक्ट हम यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छी डिटेल्स है इसकी, ये हेयर वगैरह का डिटेल्स काफ़ी बेहतर आ रहा है। और किसी भी इमेज में अगर नहीं आ रहा है तो उसको डिटेल्स लाने के लिए, प्रॉपर तरीके से डिटेल्स लाने के लिए इमेज का, आप जो है इमेज में जा करके HDR टोनिंग आप एडजस्ट करेंगे, जो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। आप अगर कन्फ्यूज़न है तो आप HDR की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर जा करके बहुत ही बेहतर तरीके से जो है आप इसको मैनेज कर पाएंगे। यहाँ से जो है हम थोड़ा सा रेडियल्स को डाउन कर देते हैं, और ये रहा डिटेल्स। डिटेल्स को जब आप बढ़ाएंगे तो डिटेल्स जो है बेहतर तरीके से आएगा, क्योंकि इस इमेज के अंदर डिटेल्स सही है तो हमें इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम कलरिंग वगैरह बढ़ा लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से वाइब्रेंस, और थोड़ा सा सेचुरेशन को हम बढ़ाते हैं इस तरीके से, ताकि बेहतर तरीके से वर्क करे। इस तरीके से ओके कर देंगे, और डिटेल्स वगैरह जब प्रॉपर तरीके से हो जाएगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ऑप्शंस हो, कोई भी जो ब्लर वगैरह, फिल्टर्स वगैरह होता है, वो बैकग्राउंड लेयर पर बेहतर तरीके से वर्क नहीं करता। आपको उसके लिए जो है उसका डुप्लीकेट लेयर बनाना चाहिए, तभी जाकर के कोई भी ऑप्शन फिल्टर वगैरह का जो है बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आप बैकग्राउंड लेयर पे काम करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, उसका जो है काफ़ी सारे ऑप्शन काम नहीं करेंगे, इसलिए जो है हम उसका लेयर बनाएंगे और लेयर पर काम करेंगे। तो यहाँ से फिल्टर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर ऑयल पेंट ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अभी जो है आप इस पर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो टोटल इमेज पे अप्लाई होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप हेयर या बैकग्राउंड को सही करेंगे तो फेस खराब होगा, और अगर फेस के हिसाब से करेंगे तो बाकी हेयर वगैरह और बैकग्राउंड वगैरह प्रॉपर तरीके से जो है इफेक्ट में नहीं आएगा। तो हम इसको दो भागों में अप्लाई करेंगे, एक तो हम स्किन यानी फेस वगैरह को ध्यान में रखते हुए करेंगे, और दूसरा जो है हम हेयर वगैरह और बाकी जो बैकग्राउंड वगैरह को ध्यान में रखते हुए हम वर्क को करेंगे। तो उसके लिए हम जो है इस लेयर का एक और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। जहां से हमने डुप्लीकेट बनाया, ये दो लेयर हो गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाली लेयर को हम बंद करते हैं और नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं, और इसको हम एडजस्ट करेंगे स्किन और फेस के अकॉर्डिंग। जैसे हमने यहां से ऑयल पेंट लिया और इसमें जो है हम फेस को ध्यान रखेंगे, यहां से हम साइन को थोड़ा सा कम करेंगे और हल्का सा जो है
क्लीन लाइंस वगैरह को जो है बढ़ा करके हल्का सा ऑयल इफेक्ट देंगे, ताकि जो है हमारा इमेज भी सही तरीके से दिखे इस तरीके से। तो ये जो है ऑयल इफेक्ट आ गया है, और बाकी कोई भी चीज जो है अपनी डिटेल्स नहीं खोई है फेस से। इस तरीके से, तो इस तरीके से मान लेते हैं फेस जो है ऑयल इफेक्ट के लिए इतना बेहतर है। हम इसी पर जो है ओके करते हैं। अब जो है इस लेयर को हम एक्टिवेट करेंगे, और इस लेयर पर जो है हम काम करेंगे हेयर को ध्यान रखते हुए और बैकग्राउंड को ध्यान रखते हुए। तो यहां से स्टाइलाइजेशन हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इस तरीके से, और हम फेस पर ध्यान नहीं देंगे, फेस खराब हो रहा है तो होने दें। हम जो पहले वाला जो इमेज जो हमने सेट किया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है फेस वगैरह को हम सही कर लेंगे। यहां से आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो है हेयर और बैकग्राउंड काफी अच्छा दिख रहा है। इसको हम कम ही रहने देंगे इस तरीके से। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, कहां पर जाकर के आपको ऑयल पेंट जो है आपको बेहतर लग रहा है। तो हम मान लेते हैं यहां पर ये सही है, लेकिन यहां पर जो फेस वगैरह वो खराब हो चुका है, फिर भी हम ओके करते हैं। तो अब यहां पर आने के बाद, चूंकि हम अगर इसको ऑफ करते हैं तो यहां पर जो है फेस लगभग सही है, लेकिन जब हम इसको ऑन करते हैं तो फेस खराब हो जा रहा है, और ये बाकी चीजें हमको हमें अच्छी लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फेस वगैरह पर जो इफेक्ट आया हुआ है उसको हम यहां से इरेजर टूल से हम जनरली इरेज कर देंगे। यहां से ओपेसिटी वगैरह 100% रखते हुए इस तरीके से जब हम इरेज करेंगे, तो जो हमने फेस को ध्यान में रखते हुए जो हमने इफेक्ट दिया था वो इफेक्ट जो है यहां पर आ जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए सभी स्किन वगैरह पर भी आप हटाना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है आप ये हटा देंगे, और यहां पर जो है बालों पर बालों का इफेक्ट रहने देंगे इस तरीके से। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और कुछ अरेंज करने की जरूरत है, तो आप इस लेयर को जो है स्किन वाले लेयर को लेकर के आप दोबारा से जो है पेंट पर जा करके, और यहां से इसको ऑफ करें, और उसके बाद जो है आप इस ऑप्शन पे जाएं, और यहां से कम करके दोबारा से आपको जितना सही लगता हो उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करके, और आप जो है इसको रख सकते हैं इस तरीके से। आप ओके करेंगे, इसको अप्लाई कीजिए, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये ऑयल पेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग रख करके, यानी कि जो जनरली अगर आप सीधा इमेज पर जो है आप अप्लाई करते हैं ऑयल पेंट का, तो आप कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाएंगे इफेक्ट, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड और बालों को सही करेंगे तो फेस खराब होगा, फेस को सही करेंगे ध्यान रखेंगे तो आपका जो है हेयर स्टाइल वगैरह बैकग्राउंड खराब होगा। तो इस तरीके से अलग अलग दोनों की आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, और एक बेहतर ऑयल पेंट जो है इफेक्ट आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑयल पेंट आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।